तो हेलो फ्रेंड, हम लोग अपने लिए जब भी कोई फ़ोन परचेस करते हैं तो हम सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर देखते हैं कि हमारे फ़ोन के अंदर रैम कौन सी है, या हमारे फ़ोन के अंदर कैमरा कितना अच्छा है, या हमारे फ़ोन के अंदर बैटरी कितने एमएच की है। हम लोग अपने फ़ोन के अंदर कभी भी स्टोरेज पे ध्यान नहीं देते कि हमारे फ़ोन के अंदर कौन सी स्टोरेज है, यानी कि हमारे फ़ोन के अंदर कौन सी जो स्टोरेज है वो कौन से टाइप की है, वो लेटेस्ट वाली है या पुरानी वाली है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। बट ये भी कुछ हद तक जो हमारे फ़ोन की जो स्पीड है इस पर डिपेंड करती है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि हम अपने फ़ोन के अंदर कौन सी स्टोरेज है वाला फ़ोन हमें परचेज़ करना चाहिए और कौन सी स्टोरेज वाला फ़ोन हमें परचेज़ नहीं करना चाहिए, ताकि हमको जो फ़ोन की जो स्पीड है उसमें थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं स्टोरेज के बारे में तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे फ़ोन के अंदर कितने टाइप की जो स्टोरेज हमको देखने को मिलती है। हमको अपने फ़ोन के अंदर जो स्टोरेज मिलती है वो दो टाइप की होती है। सबसे पहली होती है EMMC और जो सेकंड होती है वो होती है UFS। तो ये दो टाइप की जो स्टोरेज हमको अपने फ़ोन के अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि स्टोरेज का जो वर्क होता है वो क्या होता है। सिंपल सी भाषा में कहूँ तो ये रीड और राइट का जो वर्क होता है ये हमारी जो स्टोरेज पर डिपेंड करता है। यानी कि सिंपल सी बातें, यानी कि कॉपी और पेस्ट का जो काम होता है वो हमारी जो स्टोरेज के टाइप है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि वो कितनी स्पीड में वर्क करते हैं। तो हमको दो टाइप की स्टोरेज मिलती है, EMMC और UFS। तो सबसे पहले हम बात करेंगे EMMC के बारे में। ये क्या करती है, जो हमारे जो रीड और राइट का जो काम होती है ये एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम को करती है, यानी कि दोनों चीज़ को एक साथ नहीं कर सकती है। एक टाइम पर या तो रीड करेगी या तो राइट करेगी, इससे क्या होगा किसी भी चीज़ को जो प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वहीं हम बात करें UFS के बारे में तो उसमें जो हमारे रीड और राइट वो दोनों एक साथ होती है, तो इससे हमको किसी काम को करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा कंपेयर के करें तो EMMC से। तो इसलिए हमको आजकल अपने फ़ोन के अंदर UFS टाइप की जो स्टोरेज है वो देखने को मिलती है। अब जैसे जैसे आपने देखा होगा जो आजकल के जो प्रोसेसर हैं वो डे बाय डे अपग्रेड हो रहे हैं, उसी तरह कंपनी है जो अपने स्टोरेज टाइप को है उसको भी अपग्रेड कर रही है, ताकि जो कंज्यूमर है उनको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अब फ़ोन में देखने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरेज में, UFS में हमको कितने तरह की मिलती है। हमको आपने देखा होगा कई फ़ोनों में आपको 2.0, 2.1 या 3.0 और जो लेटेस्ट चल रही है वो है 3.1। अब हम इसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे, ये कितनी स्पीड पे जो रीड और राइट करती है। और जब भी हम किसी स्टोरेज की जब स्पीड चेक करते हैं तो उसको हम MB/s पे चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे UFS 2.0 की स्पीड के बारे में। इसकी जो सिक्वेंशियल रीड स्पीड होती है वो होती है 350 MB/s और जो इसकी सिक्वेंशियल राइट स्पीड होती है वो होती है 150 MB/s। और वहीं हम बात करेंगे इसकी UFS 2.1 के बारे में तो उसकी सिक्वेंशियल रीड स्पीड होती है 850 MB/s। वहीं इसकी सिक्वेंशियल राइट स्पीड के बारे में बात करें तो इसकी जो सिक्वेंशियल राइट स्पीड होती है वो होती है 260 MB/s। और जो थर्ड बात करेंगे वो हम बात करेंगे UFS 3.0 के बारे में। इसकी जो सिक्वेंशियल रीड स्पीड होती है वो होती है 2100 MB/s। वहीं हम बात करें इसके सिक्वेंशियल राइट स्पीड के बारे में तो वो आपको मिलती है 410 MB/s। अब हम बात करेंगे 3.1 के बारे में। इसकी जो सिक्वेंशियल रीड स्पीड वो तो सेम मिलेगी आपको 2100 MB/s, बट इसकी जो सिक्वेंशियल राइट स्पीड है वो 410 से बढ़कर आपको 1200 MB/s मिलेगी। तो देखा जाएगा कि आपको जो UFS स्टोरेज 3.0 और 3.1 में सिर्फ आपको एक चीज़ का डिफरेंस मिलेगा, वो है आपकी सिक्वेंशियल राइट की स्पीड में। पहले आपको 410 MB/s मिलती थी, बट आपको वो 1200 MB/s मिलेगी। तो शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपके फ़ोन के लिए स्टोरेज टाइप भी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको चीज़ पहले पता थी या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू।